नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड के कंपैरिजन के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इससे पहले आईपीएल की शुरुआत 29 मार्च से होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब 15 अप्रैल के बाद ही आईपीएल की शुरुआत हो पाएगी। बता दें कि पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 29 मार्च को वानखेड़े के स्टेडियम में मैच होने वाला था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि मैचेस को लेकर उनको आपत्ति है और अगर मैच करवाया जाए तो वो एमटी स्टेडियम में करवाया जाए, और बाद में तो बीसीसीआई ने इसे पोस्टपोन ही कर दिया। चलिए अब स्क्वाड्स के कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो बात करें टॉप ऑर्डर की, तो मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर में हमें देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक और सूर्य कुमार यादव। चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में है फाफडू प्लेसिस, शेन वॉटसन और सुरेश रैना। बात करें तो एक तरफ जहां मुंबई इंडियंस के पास युवा बल्लेबाजी और साथ ही एक्सपीरियंस भी है, वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास बेशुमार एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके साथ ही मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक और सूर्य कुमार यादव तीनों ही इन फॉर्म है। सूर्य कुमार यादव का डोमेस्टिक लीग में काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में फाफडू प्लेसिस अभी इन फॉर्म नहीं है, वहीं शेन वॉटसन रिटायर्ड हो चुके और सुरेश रैना भी रिटायर्ड हो चुके। तो इस हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करके दोनों को मार्क्स दे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुंबई इंडियंस के खाते में 60 मार्क्स जाते हैं 100 में से, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में 40 मार्क्स आते। अब बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस के पास है ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या। चेन्नई सुपर किंग्स के पास मिडिल ऑर्डर में है अंबाती रायडू, एमएस धोनी, केदार जाधव और रविंद्र जडेजा। हाँ, मुंबई इंडियंस के ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या सभी इन फॉर्म है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में अंबाती रायडू रिटायर्ड हो चुके, एमएस धोनी काफी लंबे समय से क्रिकेट से दूर है, केदार जाधव को भी अभी नेशनल टीम से बाहर निकाल दिया गया है, केवल रविंद्र जडेजा अच्छी फॉर्म में है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर थोड़ा भारी दिख रहा है। वहीं मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर युवा है तो चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस ज्यादा है। हालांकि फिर भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में कांटे की टक्कर जरूर होगी। और यहां भी अगर हम मिडिल ऑर्डर की मार्किंग करें तो मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर को 60 मार्क्स मिलते हैं, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर को 100 में से 40 मार्क्स मिलते हैं। तो लोअर ऑर्डर में मुंबई इंडियंस के पास है राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, टेरेन बोल्ट और लसित मलिंगा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर में डीजे ब्रावो, इमरान ताहिर, दीपक चाहर और पीयूष चावला या फिर हरभजन सिंह। मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोर में जहां पर युवा खिलाड़ी भी है साथ ही अनुभवी खिलाड़ी भी है, और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में काफी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन जहां पर जसप्रीत बुमराह, टेरेन बोल्ट, लसित मलिंगा और राहुल चहर इन फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में इमरान ताहिर और दीपक चाहर की फॉर्म बढ़िया है, और हरभजन सिंह तो रिटायर्ड है और डेविन ब्रावो भी इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो मुंबई इंडियंस का जो बॉलिंग कोर है वो ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है और ज्यादा दमदार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी अगर इनको 100 में से मार्किंग दी जाए तो मुंबई इंडियंस को 60 मार्क्स दिया जाता है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को 40 मार्क्स दिए जाते हैं। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुए पिछले आईपीएल के चारों मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि मामला काफी करीबी था, एक तरफा मुकाबला नहीं हुआ था, उस हिसाब से दोनों टीमों के बीच में टक्कर तो काटे की होने वाली है। लेकिन अगर स्कोर्स को देखा जाए ऑन पेपर तो मुंबई इंडियंस का स्कोर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आपको कौन सा स्कोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।